अब मुझे पढ़ना कैसे? अगर इंडियन ज्योग्राफी मैंने क्या बताया, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से आता है, लेकिन ये क्या होता है, सभी जगह से अपनी इन्फॉर्मेशन डेरिवेट करता है, इकोनॉमिक्स से करता है, आपका जो है फिजिकल ज्योग्राफी से करता है, ह्यूमन ज्योग्राफी से करता है। देखो पढ़ते कैसे इसको, एक तरीका मैंने निकाला। एक ही टॉपिक पे यूपीएससी में चैप्टर्स नहीं टॉपिक्स पढ़े जाते हैं, याद रखना मेरी इस बात को। अब मुझे एक टॉपिक्स डेवलप करना है, देखो कैसे डेवलप करते हैं। एक होमवर्क करना कभी भी शांति से बैठ के, एक तुम्हें थिंकिंग प्रोसेस बताता हूं। रिवर्स यूपीएससी में पढ़ते कैसे, इतनी इंफॉर्मेशन को एक जगह लाओगे कैसे? ठीक है, मुझे रिवर्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब रिवर्स से ही मैं सब कुछ अटैच कर सकता हूं। टॉपिक और चैप्टर में अंतर क्या होता है? रिवर मैं ऐसे पढ़ा सकता हूं, मैं चैप्टर पढ़ाया, हाँ ये प्रमुख नदियां हैं, ये दाहिने हाथ से आने वाली, ये बाएं हाथ से आने वाली, ये रहा उद्गम, ये रहा इसका सेगमेंट, और आप पढ़कर निकल गए। अब देखो नदियों को हम कैसे पढ़ सकते हैं। नदियां हैं तो पहले स्टेज में इनका कहीं ना कहीं ओरिजिन होगा, होगा फाइंड आउट, जो भी नदी है उसका ओरिजिन आप फाइंड आउट कर लो, वो चाहे प्रायद्वीपी हो चाहे वो ग्लेशियर से निकल कर आ रहे हो। मान लो गंगा है तो गंगोत्री से निकल कर आ रहा है, जो ओरिजिन है उसकी लोकेशन क्या है, यानी उद्गम की जो आपका है वो लोकेशन क्या है, स्थिति क्या है, पहला ये जान लो। ठीक, नदियां जब ओरिजिनेट हुई तो नदियां बहती हैं, बहाव क्षेत्र क्या होता है, ड्रेनेज एरिया। ठीक है, बहाव क्षेत्र क्या है, ड्रेनेज एरिया। ठीक, पहले ये पहाड़ों पर बहेंगी, फिर मैदानों पर बहेंगी, और ये फिर जो है वो अपने मुहाने पर जाकर मिल जाएंगी। पूरी में जियोमॉर्फोलॉजी, जियोफिजिक्स और इंडियन ज्योग्राफी सब एक जगह मर्ज कर दे रहा हूं। पहाड़ों पर यानी माउंटेन्स पर जब ये फ्लो कर रही हैं, तो इनके बहने का जो है वो प्रक्रिया, इसका जो है वो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसकी विशेषता क्या है, पूछा जाता है। रैपिड्स कहां बनाती हैं, कहां बनाएंगी, यहां या यहां? रैपिड्स तेजी से जब फ्लो करती है तो पहाड़ों पर बनाएंगी। जब मियांडर विसर्प जब यहां पर पहुंचेंगी तो विसर्प बनाएंगी। नदियां बहुत तेजी से कटाव करेंगी क्योंकि अब उनकी ढाल खत्म हो गई, तो क्या होता है वो मियांडर करते हुए चलती हैं। यहां मियांडर कभी भी नहीं बनेगा, दैट इज अ मियांडरिंग। ठीक है, विसर्प बनाएंगी। जब मुहाने पर पहुंचेंगी तो क्या बनाएंगी, डेल्टा फैंस, सारा डिपॉजिट लाकर डाल देंगी। सो वहां पर क्या होगा, एक फीचर अलग तैयार हो जाएगा। तो ये हमने फीचर्स उसके पढ़ लिए बहाव क्षेत्र में। जब ये बहाव क्षेत्र होगा तो बहाव क्षेत्र में एक और चीज निकल कर आती है। इस बहाव क्षेत्र के आसपास शहर बस जाते हैं, क्योंकि जहां जल है वहीं मानव पर पाया जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, यहां पर मानव बस्तियां पाई जाएंगी, ह्यूमन हैबिटेशंस, सेटलमेंट्स होंगे यहां पर। ठीक है, मानव बस्तियां दो प्रकार की होंगी, एक नदियों के किनारे धार्मिक शहर बसते हैं। तुम्हारा अभी पूरा पेपर निकाल के दे दूं, जब जाके घर जाकर देखना, एक भी क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, धार्मिक शहर बनेंगे यानी कि रिलीजियस आपकी सिटीज बनेंगी। दूसरा औद्योगिक शहर बनेंगे, ठीक है, यानी कि इंडस्ट्रियल औद्योगिक शहर बनेंगे। बनेंगे, हाँ भाई, कानपुर है, ठीक है, तमाम है, जैसे इलाहाबाद है तो धार्मिक शहर हो गया। तो ये क्या होगा, इनके किनारे मेले लगेंगे, सांस्कृतिक कुंभ मेला लगेगा, दुनिया भर के कल्चरल प्रोग्राम्स यहाँ पर होते रहेंगे। तो दो तरीके की मानव बस्तियां होंगी। अभी हम आगे चलते हैं, बहाव क्षेत्र में आगे गए, यहाँ पर आप क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ोगे, पहाड़ों पर किसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगी, छिप्रिकाएं बनाएंगी, जो है रैपिड्स बनाएंगी, इसके बाद यहाँ पर जो है विसर्पों का निर्माण होगा, कटाव करेंगी, इसके बाद मुहाने पर जो है वो डेल्टा का निर्माण करेंगे। ठीक है, इसी बहाव क्षेत्र में इनके दो सेगमेंट्स होंगे, एक ये पूर्व की तरफ बहेंगी और दूसरी पश्चिम की तरफ बहेंगी। इन दोनों की विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल अलग होगी। पूरब की तरफ बहने वाली डेल्टा का निर्माण करेगी और ये जो है वो एस्चुरी का निर्माण करेगी। बहनी शुरू हुई नदी, चलिए भाई अब देखते हैं, बहते बहते जब ये यहां पर मानव बस्तियों से होकर बह रही थी तो ये कुछ ना कुछ नेशनल पार्क और जंगलों से भी जाकर बहेंगी। उठा के 2 साल पहले का क्वेश्चन देखो, दिया हुआ था एक तरफ नदियां दूसरी तरफ नेशनल पार्क, मैचिंग करने को आया था, बड़ा टफ क्वेश्चन था वो। ठीक है, तो क्या होगा, ये जंगलों या नेशनल पार्क से आप होकर ये बहेंगी, उनके आपको नाम याद होने चाहिए कि बहाव क्षेत्र में ये कहां कहां किस किस नेशनल पार्क से, काजीरंगा से कौन सी जाती है, मानस से कौन सी जाती है। ठीक है, उन सभी नदियों का क्या होना चाहिए, आपको नाम याद होना चाहिए। उसके बाद जब ये नदियां बहेंगी तो एक खास टोपोग्राफी को फॉलो करेंगी, एक खास पैटर्न को फॉलो करेंगी, पैटर्न को फॉलो करेंगी। वो पैटर्न आपको पता होना चाहिए, नदियां एक जैसी नहीं होती हैं, कई नदियां जो हैं वो पेड़ के डालियों की तरह बहती हैं,
कई जो होती है वो पैरेलल रन करती हैं, ठीक है, इस तरह जो है वो उनका मूवमेंट होता है। इन नदियों का क्या पता होना चाहिए, आपको पैटर्न पता होना चाहिए। इसके बाद ये नदियां जो होती हैं कई जो है वितरिकाओं से मिलकर बनी होती हैं, कई जो है ट्रिब्यूटरी से मिलकर बनी होती हैं, तो इनकी वितरिकाएं या ट्रिब्यूटरीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, कौन सी दाएं से आ रही है, कौन सी बाएं से आ रही है। सोन नदी किसकी सहायक नदी है, ठीक है, चंबल किसकी सहायक नदी है। दूसरा क्या पूछा जाता है, ये जो सहायक नदियां हैं वो दाएं से आ रही हैं या बाएं से आ रही है। बिल्कुल पूरा ज्योग्राफी पूरा मैं ओपन करके रख दे रहा हूं तुम्हारे सामने। फिर उसके बाद क्या होता है, जहां पर ये अपनी मुख्य नदी से मिलती है या तो वहां कुछ खास शहर होता है या वहां पर जो है प्रमुख स्थान होता है। तो पहली बार ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरीज में दाएं से आने वाली और बाएं से आने वाली, और इन ट्रिब्यूटरीज का उद्गम भी पता होना चाहिए, ठीक है, कहां कहां से ये जनरेट हो रही है। उद्गम के साथ साथ तुम्हें यह पता होना चाहिए जहां पर यह मिलन बिंदु है। अब जैसे देवप्रयाग, देवप्रयाग में कौन कौन आकर मिलता है, कर्णप्रयाग में क्या मिलता है, कितनी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, जहां पर ऐसे सोन नदी जब मिलती है गंगा से वहां पर कौन सा शहर बसा हुआ है, पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये तुम्हें यहां पर पता होना चाहिए पूरा कैरेक्टरिस्टिक। अभी हम सिर्फ नदियों पर डील करें लेकिन इसके साथ साथ मैं सब कुछ समेट दूंगा इसमें, ठीक है। अब क्या हुआ, ये आपका जो है यहां पर नदियां जा रही हैं, हमने उद्गम देख लिया, बहाव क्षेत्र देख लिया, उसमें मानव बस्तियां है, कौन सी पूर्व की तरफ बह रही है, कौन सी पश्चिम की तरफ बह रही है, इस कौन से जंगलों नेशनल पार्क्स या किसी स्थान, अगर मान लो कोई पहाड़ी है, कोई पर्यटन स्थल है, उठा के रख दो सब, इसमें सब उठा के रख दो, चाहे साउथ की हो चाहे नॉर्थ की हो, सब इकट्ठा कलेक्ट कर दो। इसके बाद साथ इनका पैटर्न क्या है, बहुत अच्छे अगर क्वेश्चन पूछा, जैसे कि अमरकंटक को लेकर कई बार क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, वो क्या होता है, एक खास तरह के पैटर्न से बहती है, वो इस पहाड़ी से कई नदियां एक साथ बहती है, क्योंकि वो क्या होता है, वो एक सेंट्रल ड्रेनेज के रूप में क्या होता है, नदियां यहां से अलग अलग डायरेक्शन में निकल जाती है, ठीक है। अमरकंटक कम से कम मैंने अभी रिसेंटली जो 3 बार उस क्वेश्चन को मतलब उसको देखा है नदियों के उद्गम के रूप में, बिल्कुल पेट क्वेश्चन आएगा, यहां से क्वेश्चन उठा लो। चलो इसके बाद क्या हुआ, आपने वितरिकाएं देख ली, ये आपको सब कुछ याद हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, जब नदियां, अब इसका हमें क्या करना है, इसका जो है वो इकोनॉमिक यूज करना है, इसका जो है आपको आर्थिक इस्तेमाल करना है। तो आर्थिक इस्तेमाल करने के रूप में मैं क्या करूंगा, मैं पन विद्युत, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, माय फर्स्ट टारगेट इज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा, डैम बनाना पड़ेगा, ठीक है, या मुझे नदी घाटी परियोजनाएं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट, जैसे अभी हाल ही में आपने नर्मदा डैम के बारे में सुना, ठीक है, ओंकारेश्वर डैम, तमाम आपने डैम्स के बारे में पढ़ा है, मुझे बांध बनाने पड़ेंगे, तब मैं क्या करूंगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करूंगा। तो सबसे बड़ी बात, मैं ये प्रोजेक्ट्स कहां लेकर आऊंगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो प्रोजेक्ट्स अगर आप बनाओगे तो सबसे पहले आपको लोकेशन पता होनी चाहिए, नर्मदा कहां है उसकी लोकेशन। फिर अगला क्वेश्चन पूछा जाता है टाइप्स, अब नर्मदा क्या है, भाखड़ा नांगल नर्मदा, ये ग्रेविटी डैम्स हैं, तो ग्रेविटी डैम्स क्या होते हैं भाई, ठीक है, इनकी क्या खास बात होती है, चेक डैम्स क्या होते हैं, जो छोटे डैम्स बनाए जाते हैं, इनकी खास बात क्या होती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी कैसे जनरेट की जाती है, इसको आपको पता होना चाहिए। तो इन प्रोजेक्ट का लोकेशन क्या है, लोकेशन में मतलब किस नदी पर कौन सा प्रोजेक्ट बसाया गया है, उनकी जो है कहां पर जो है वो रखा गया है। साथ ही साथ जब ये डैम बनेंगे तो इसमें एक चीज बनती है, रिजर्वायर बनेगा, गोविंद सागर झील बनी है कि नहीं बनी है, तो ये आपको इनके रिजर्वायर यानी जलाशयों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, यहां पर हो गया। लेकिन ये जब बिजली बनेगी तो अपने साथ ये डिजास्टर भी लेकर आएगी, तो इसके साथ आपको विवाद भी पता होने चाहिए। दूसरी तरफ केवल इससे बिजली नहीं बनेगी, इससे आपकी सिंचाई परियोजना भी बनेगी। अभी देखते जाओ, तुम्हारी पूरी ज्योग्राफी इसी में मैं लपेट देता हूं, एक नदी पे ही पूरी ज्योग्राफी अभी आ जाएगी। इसमें क्या होगा, इरिगेशन प्रोजेक्ट, जैसे इंदिरा गांधी कैनाल कहां से निकाली गई है, कितनी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, नर्मदा में ही बोला गया कि ये जो है देश का सबसे बड़ा जो है वाटर बाइफर्केशन ट्राइफर्केशन प्रोजेक्ट है। ट्राइफर्केशन का मतलब है कि इससे जो पानी निकलेगा वो 3 राज्यों के क्षेत्रों को सिंचित करेगा, और नहर परियोजना के लिए यानी कैनल प्रोजेक्ट के लिए ये पानी सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, ताकि आप क्या होगा एक यूनिवर्सल आप इरिगेशन सिस्टम को डेवलप करा सको। तो यहां पर क्या होगा, आप सिंचाई परियोजना यानी इरिगेशन फैसिलिटीज को लेकर आओगे। इरिगेशन फैसिलिटीज में जब आप लेकर आओगे तो सबसे बड़ी बात, तुम्हें प्रोजेक्ट का नाम और एरिया पता होना चाहिए, प्रोजेक्ट का नाम और एरिया, किस एरिया को यह सिंचित करेगा। लेकिन ये जो तीनों चीजें हैं ये विवादों को जन्म दे देंगी। पन विद्युत के साथ क्या विवाद है, डैम्स
क्या करेंगे? रिजर्वायर। रिजर्वायर क्या होता है? सबसे बड़ी बात, विस्थापन, यानी कि आप माइग्रेशन को जन्म देंगे। दूसरे कंडीशन में क्या करेंगे? ये प्लेटों के ऊपर दबाव बनाएंगे। तीसरे कंडीशन में क्या होगा? वाटर परकुलेट होता है, वो जो निचालित होता है और आसपास के एरिया को सड़ा देता है, ठीक है। इसके साथ साथ इसमें जो जंगल जमीन डूब जाती है उसकी वजह से, उसमें सड़ने की वजह से मेथेन गैस बहुत बड़ी मात्रा में निकलती है, ठीक है। सेडिमेंट्स आकर जमा हो जाते हैं। सिंचाई परियोजनाओं में क्या दिक्कत होती है? सिंचाई परियोजनाओं में जब सिल्टिंग बहुत ज्यादा हो जाती है तो क्या होता है? पानी बहता हुआ बाहर की तरफ निकल जाता है कैनल से, और ये क्या होता है? आसपास के क्षेत्रों में तबाही मचा देता है, ठीक है। तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। चलो भाई, ये तो हमने यहां पर काम कर लिया, अब जरा दूसरे पे आ जाओ। अब मैं तुम्हें इसमें पर्यावरण पूरा जोड़ देता हूं। अगर मैं नदियों पर डैम बनाऊंगा तो मैं नदियों के पानी को क्या करूंगा? रोकूंगा। चलो, तो नदियों के पानी को जैसे मैं अवरुद्ध करूंगा, यानी इसको ब्लॉकेज करूंगा, उसका प्रवाह क्या हो जाएगा? फ्लो कम हो जाएगा, और जैसे ही कम होगा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी उसको सेडिमेंट्स ढोने की क्षमता कम हो जाएगी। इस बार का क्वेश्चन था मेरे ख्याल से, ठीक है, इस बार का क्वेश्चन था। अब क्या होगा? उसका जो पानी है उसका प्रवाह कम हो जाएगा, तो वो सड़ना शुरू हो जाएगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगा, और उसकी वजह से उसमें क्या पैदा हो जाएगा? प्रदूषण, पोल्यूशन, ठीक है। और इसकी वजह से सबसे पहले क्या प्रभावित होगा? जलीय जीवन, यानी एक्वेटिक लाइफ जो होगी वो प्रभावित हो जाएगी, पहला। दूसरा, इस प्रदूषण के कारण कहां होंगे? ये छुपे हुए हैं कारण। अभी देखो, दुर्गा पूजा में मूर्तियां विसर्जित हुई, ठीक है, उसके बाद कुछ और विसर्जित होगा, ये लगा रहेगा, और क्या होगा? उसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ता चला जाएगा। लोग क्या होगा, धार्मिक शहरों से क्या होगा, जहां पर औद्योगिक शहर है वो अपना सारा गंदगी और सीवर जो होगा वो लाकर वहां बसा गिरा देंगे, तो उससे क्या होगा? हमारी नदियां प्रदूषित होती जाएंगी, जली जीवन प्रभावित हो, बहुत बुरी तरीके से जो है डिजास्टर प्रभावित होगा। तो अगर जब ये प्रदूषण होगा तो इस प्रदूषण को कम करने के लिए सरकारी प्रयास भी होंगे, एफर्ट्स आएंगे। तो पहला एफर्ट होगा गवर्नमेंट एफर्ट्स, दूसरा होगा सोशल एफर्ट्स, सामाजिक कुछ लोग निकलेंगे। अभी आप लोगों ने जैसे नित्यानंद जैसे लोगों के बारे में आपने पढ़ा कि वो नदियों को साफ करने के लिए तमाम जल यात्राओं को लेकर चल रहे हैं, सोशल एफर्ट्स आएंगे, सामाजिक प्रयास। तीसरा होगा लेजिस्लेटिव एफर्ट, भूलना मत, ठीक है, नमामि गंगे, गंगा में प्रदूषण डालने पर आपको सजा हो जाएगी। तो किस आर्टिकल में हो रहा है, सरकार क्या उसके लिए प्रयास करी, क्या प्रावधान किए जा रहे हैं, जैसे एनजीटी जैसे लोग लेजिस्लेशन के, एनजीटी आ गया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, कि अब आप नदियों के कैचमेंट एरिया में मकान नहीं बना सकते, अभी उसने बोला और उसने जो है वो फाइन लगा दिया, सारी चीजों को समेट दो एक ही जगह पर। अलग अलग इसको पढ़ोगे तो पढ़ते रह जाओगे, बुढ़ापा आ जाएगा, ठीक है। आपने ये एफर्ट्स करने शुरू कर दिए इसको प्रदूषण से बचाने के लिए, प्रवाह सुनिश्चित करना शुरू कर दिया कि भाई नदियों का प्रवाह नहीं बाधित होना चाहिए। आपने कटाव को रोकने के लिए, अभी आपने क्या देखा, मध्य प्रदेश सरकार ने जो है वो नर्मदा नदी के किनारे किनारे वृक्षों की एक पूरी श्रृंखला को लगाने का अभियान शुरू किया ताकि नर्मदा अपना कटाव ना करे। अगर वही कोसी के केस में देखोगे तो कोसी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है, सौरव बिहार, और वो क्या होता है, बहुत तेजी से अपने तट का कटाव करती है, ठीक है। अभी आपने देखा होगा ब्रह्मपुत्रा भी अपने कटाव, यानी कि जो है उसको इरोजन के लिए जानी जाती है, तो उसकी वजह से उसमें एक जो सबसे बड़ा नदी घाटी द्वीप है जिसको माजुली द्वीप कहते हैं, ठीक है, वो एक बहुत खास इकोलॉजिकल एक सेक्टर है, वो हेरिटेज है, और वो क्या हो रहा है, नदी अंदर जैसे जैसे ब्रह्मपुत्रा अंदर की तरफ काट रही है, माजुली द्वीप जो है वो बहुत तेजी से सिकुड़ता हुआ चला जा रहा है, और उसकी वजह से उसका जो एरिया है वो बहुत बुरी तरीके से तबाह हो रहा है, वहां पे लोग विस्थापित होने को मजबूर हो रहे हैं, और वो एबोरिजिन लोग हैं, वो दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो नदी द्वीप है, रिवर आइलैंड है, लेकिन वो क्या हो रहा है, कटाव की वजह से तबाह होना शुरू हो गया, क्योंकि ब्रह्मपुत्र क्या होता है, तेजी से फ्लो करती है और सेडिमेंट्स बहुत ढेर सारे लेकर आती है। तो ये यहाँ पर एफर्ट्स आप करोगे, तो आपके तीन तरह के एफर्ट होंगे, गवर्नमेंट एफर्ट्स जो प्रोग्राम चलेंगे, जैसे नमामि गंगे हो गया, यमुना एक्शन प्लान हो गया, इसके बाद और अगले हिस्से पर अब करंट पे आ जाते हैं। ये नदियां जो होंगी कहीं पर बहुत ज्यादा पानी प्राप्त करेंगी और कहीं पर बहुत कम पानी प्राप्त करेंगी, तो इसका मुझे क्या करना पड़ेगा, जहां ज्यादा पानी प्राप्त कर लेंगी, भारत मानसूनी क्षेत्र है, तो क्या होगा, बाढ़ लेकर आ जाएंगी, और जहां कम पानी प्राप्त होगा वहां पर बवाल मचा रहेगा पीने का पानी। तो एक यहां पर जो है इनसे संबंधित नदी जोड़ो परियोजना, रिवर रिंकल लिंकेज आ गया, पहला। दूसरा, इनके पानी को बंटवारे को लेकर विवाद होंगे, तो दो तरीके के विवाद होंगे, अभी पूरा हम इंटरनेशनल रिलेशनशिप में पहुंच जाते हैं। पहला होगा अंतरदेशीय विवाद, ठीक है, दो देशों के, भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, ठीक है, तीस्ता को लेकर होगा, आपके क्या नाम है, सिंध नदी को लेकर होगा, और अंतरराज्य,
अंतरराज्य, जैसे कावेरी, महानदी, ठीक है, दो स्टेट्स के बीच में क्या होंगे, विवाद होंगे, ठीक है, इस तरह का विवाद होगा। अब अगला जो सबसे हाईअर मोस्ट चरण अगर हम जाएं, बहुत कुछ समेटें, तो इनके यूजेस को लेकर बात होगी, इनके उपयोग को लेकर। उपयोग कृषि, उपयोग कहां उद्योग, और कहां आवास। कृषि में कितना इसका पानी इस्तेमाल किया जाए, उद्योगों में कैसे इस्तेमाल किया जाए, और जो लोगों के लिए यानी मानव के लिए पीने के लिए, जो यानी ड्रिंकिंग वाटर के लिए कैसे उसका इस्तेमाल किया जाए, कैसे उसको ट्रांसपोर्ट किया जाए। ये रहा एक छोटा सा सेगमेंट। जैसे अगर आप जो है अगर नदी को इस तरह पढ़ते हैं तो आप पूरी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह समेट के ला सकते हैं, पूरे जितना भी आप चाहे एनवायरमेंट, इसमें इसके बाहर कभी देखना क्वेश्चन नहीं गया होगा, कभी नहीं, कहाँ से निकली, कहाँ से बही, क्या रूप है, कहाँ से जा रही है, क्या उसमें जो है वो शहर कौन से हैं, विवाद कौन सा है, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, पूरी की पूरी ज्योग्राफी एक पॉइंट पर आकर पटक सकते हो तुम, ठीक है। इसी तरह के टॉपिक्स की अगर आप प्रैक्टिस करो, और कुछ सोच के देखो दिमाग में आ रहा हो, कुछ और टॉपिक बच रहे। अब तुम्हें करना क्या है, अब तुम्हें पता चल गया तुम्हें पढ़ना क्या है, अब तुम्हें पता चल गया पढ़ना क्या, अब तुम्हें क्या करना है, इन्फॉर्मेशन लानी है और इसमें डाल देना है, इन्फॉर्मेशन लानी है इसे डाल देना, तुम्हारा क्वेश्चन इसके बाहर स्किप नहीं होगा, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक। और कुछ सोचना चाहो सोच सकते हो, थक गए, हाँ बोलो। फॉरेन इन्वेजन्स, ठीक है, चलो एक चीज तो रह गई। ये कैसे भूल गए, वॉटरवेज, ठीक है, हाउ मेनी एग्जिस्टिंग राइट नाउ, ठीक है। तो जलमार्ग में नेशनल वॉटरवेज होते हैं, पहली बात इनका महत्व तो क्या है, दूसरा इनका चैलेंजेस क्या है, इंडिया में क्यों नहीं डेवलप कर पाया जबकि नदियों का जाल कहा जाता है, और उसके बाद जो है यहां पर हम बात करेंगे जलमार्गों की स्थितियों के बारे में। तो जलमार्ग क्या होंगे, यहां पर हम बात करेंगे नेशनल वाटरवेज, ठीक है, कितने हैं एग्जिस्टिंग, कितने और प्रपोज किए गए हैं, जो एग्जिस्टिंग है वो कहां से कहां तक आपको पता होना चाहिए, कहां से कहां तक। जैसे मैचिंग करने को आया था वन कहां से कहां तक, सबसे लंबा कौन सा है, ठीक है, ये सारे के सारे आपको पता होने चाहिए, ठीक है। चलिए ये एक्सरसाइज अगर हम करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर जाएगा, ठीक है। तो इसको आप कभी भी जब भी कोई टॉपिक पढ़िए तो इसको पहले एक बार सोचा करिए कि मुझे इस टॉपिक को पढ़ना कैसे, तब उसके बाद, नहीं तो क्या होगा, अब जब चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ेंगे तो चैप्टर बाय चैप्टर यूनिवर्सिटीज में पढ़ाए जाते हैं, कॉम्पिटिशन में नहीं, कॉम्पिटिशन में टॉपिक बाई टॉपिक रन करता है, ठीक है, हमने जोड़ लिया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इंडिया के बारे में थोड़ी अपनी जानकारी को और प्रिसाइज करते हैं, डन है ये, हटा दूं। पानी चाहिए, पानी मांगने लगे एक ही फ्लो चार्ट में, हाँ फ्लड मैनेजमेंट, नदी जोड़ना किस क्या है, फ्लड मैनेजमेंट के लिए तो है, इसको घर पे प्रैक्टिस करो, इसमें भी तुम 10 पॉइंट और जोड़ सकते हो, सब मतलब जितना भी आया हुआ है सब एक ही पॉइंट पर ले आकर डाल दो। अब इसमें केवल अगर ये प्रैक्टिस बना के रखो, इसमें अगर हम जोड़ते जाएं तो हम इसमें एनवायरमेंट, हम इसमें इकोनॉमिक्स, हम इसमें जियोमॉर्फोलॉजी सब कुछ जोड़ के अपने बात पूरी कर सकते हैं,